नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, तिब्बत में होने जा रही है अमेरिका की एंट्री और किस प्रकार से भारत और अमेरिका दोनों मिलकर तिब्बत से चीन को खदेड़ेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चीन ने आज से लगभग 70 साल पहले तिब्बत को कब्जा लिया था। तब से चीन वहां पर जाति कर रहा है और तिब्बत में धार्मिक कार्ड चीन खेलता है। और दोस्तों, अब तिब्बत में दलाई लामा के अगले उत्तराधिकारी का चुनाव होना है और चीन यहां पर अपने हिसाब से दलाई लामा का अगला उत्तराधिकारी चुनने का प्रयास करेगा, क्योंकि दलाई लामा भारत के समर्थन में थे और यदि दलाई लामा का उत्तराधिकारी तिब्बत में बन जाएगा तो तिब्बत में चीन का विरोध होने लगेगा। और चीन यह भली भांति तरीके से जानता है कि यदि दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुना गया और तिब्बत के लोगों ने इसे चुना तो अवश्य चीन के खिलाफ यहां पर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। इसलिए चीन चाहता है कि वह अपने हिसाब से दलाई लामा का अगला अधिकारी चुने। परंतु दोस्तों, यहीं पर एंट्री होती है अमेरिका की और अमेरिका में कई सारे सांसदों ने बाइडेन प्रशासन पर यह दबाव बनाया है कि वह दलाई लामा से बाइडेन जाकर बात करें और उनका उत्तराधिकारी तिब्बत के लोगों के माध्यम से चुना जाए, ना कि चीन के हिसाब से। और दोस्तों, तिब्बत में अब एक बार दलाई लामा के उत्तराधिकारी हेतु अमेरिका और चीन आमने सामने आने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका जानता है कि चीन अपने दबाव में दलाई लामा का अगला उत्तराधिकारी तिब्बत के लोगों पर थोपना चाहता है, जिससे चीन का शासन पूरी तरीका से तिब्बत में हो जाए। क्योंकि 70 साल तो चीन को तिब्बत कब्जा हो गए हैं, परंतु कम्युनिस्ट पार्टी का अभी तक तिब्बत पर पूरी तरीका से कब्जा नहीं हो पाया है, क्योंकि तिब्बत के ज्यादातर लोग दलाई लामा के विचारों पर चलते हैं, जिससे तिब्बत पर पूरी तरीका से चीन का कब्जा नहीं हो पाया है। परंतु यदि एक बार दलाई लामा का उत्तराधिकारी चीन के पक्ष में आ जाता है तो फिर चीन तिब्बत को पूरी तरीका से कंट्रोल कर लेगा। और दोस्तों, यहीं में भारत को भी मास्टरमाइंड गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि यदि दलाई लामा का उत्तराधिकारी चीन के हिसाब से चुना जाता है तो फिर भारत के लिए बहुत ही बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए भारत को यह चाहिए कि अमेरिका का तिब्बत में भरपूर सहयोग करे, ताकि चीन की यह जो चाल है तिब्बत को हड़पने की, वह कामयाब ना हो सके। खैर, आप सभी की इस टॉपिक पर क्या राय है? क्या अमेरिका और भारत दोनों को तिब्बत में स्वतंत्र रूप से दलाई लामा के दूसरे पदाधिकारी का चयन करवाना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।